Good morning, students. Today we will start with composition writing. Previously we had studied 5 poems and it took almost 17-18 days. But now we, after completion of the poem, we will start with the composition. And in composition, the first comes, and as it is important in the view of examination, it is notice writing. Up to now you have learnt notice writing in your previous class, but today we are going to learn this thing in a bit different way. So why different way? Because in previous classes it was almost a weightage of 2 marks, 3 marks, 4 marks, but in class 12, whenever you write notice, each and every part has different marks. द मार्क्स आर बाइफर्केटेड. इसके जो मार्क्स होते हैं ना, वो मैथ्स जैसे होते हैं कि भाई आपने आधी स्टेप सही की तो आधे मार्क्स मिलेंगे, केवल आंसर गलत है तो कुछ ही मार्क्स कटेंगे. सो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह का कुछ नोटिस राइटिंग में फॉर्मेट है. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट हाउ द मार्क्स आर बाइफर्केटेड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वेन एवर यू राइट अ नोटिस, बहुत सारे लोग बच्चे जो क्या करते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं. And the most important thing is boxing. आपको जो भी composition लिखते हो, that must be boxed properly. Whether you are writing advertisement, whether you are writing invitation or notice, these compositions should be boxed. इनको box आपको बनाना होगा. So, and second thing, बहुत सारे students पहले box बना देते हैं. Don't make the box at first. After the completion of writing each and everything, then ड्रॉ द बॉक्स, सो दैट उसकी जो सिमेट्री है, जो दोनों तरफ बराबर दिखता है, वो आपको पता चल जाएगा. सो नाउ आज हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मेट को स्टडी करेंगे. ओके, एंड एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू 10 seconds सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, और इफ यू वॉन्ट टू पोज द वीडियो यू कैन राइट ऑल्सो द सेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट द इम्पोर्टेंट कम्स इज द Can you see it? I have written name of organization or name of organization or institution, संस्था का या संगठन का नाम. Okay, so now again I will make it easy because notice of organization are not part of your course. So we will start with institution. Institution. Can you see? I have written this thing in capital letters. So it shows that जो भी आप नाम लिखोगे संस्था का, वो capital letters में लिखना है, right? Then comes date. उसके बाद क्या आएगा? Date. Then in the next line you have to write notice, the most important thing. आपको notice लिखना है. क्या लिखना है? Notice लिखना है. Just leaving a one line blank, you have to write subject. पूरा notice नहीं पढ़ो और just आप subject पढ़ो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये notice किस लिए लिखा गया है. Just to save the time. And then comes the content. और आजकल नई भाषा में उसको बोलते हैं content. Okay? So what will happen? Basically, your notice will look like something like this. कुछ ऐसा दिखेगा. Okay? ये हो जाएगा आपका content. And the last that ends is signature and
डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपको करने हैं सिग्नेचर, हस्ताक्षर करने हैं आपको, और आपका पद लिखना है। पद लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सो दैट इट शुड बी नोन दैट हु हैज इश्यूड दिस नोटिस, इस नोटिस को किसने इश्यू किया है। ओके सो आप इसमें देख पा रहे हो कि हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया है, और इस फॉर्मेट के इस फॉर्मेट के ऊपर आप देखिए, जो ये फॉर्मेट आप बनाते हो, सो ये फॉर्मेट आपका ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का होता है। फर्स्ट वन फॉर इंट्रोडक्शन एंड 1 मार्क फॉर सिग्नेचर एंड कंटेंट जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। सो इस तरीके से ये मार्क्स जो है ये बाइफर्गेटेड है। अगेन अब 2 मार्क्स कैसे हैं, तो ये आपके इस तरीके से हैं, सॉरी 1.5 ये रहा आपका बाइफर्गेशन। हाफ जो है वो आपने इंस्टीट्यूशन का जो नाम लिखा है उसके अंदर, हाफ मार्क्स आपका डेट का हो जाता है। फिर नोटिस और सब्जेक्ट का आपका हाफ मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स है, और सिग्नेचर और डेजिग्नेशन का हाफ मार्क्स है। इस तरीके से ये इसको बांटा गया है। नाउ अगेन मैं आपके वीडियो फ्रेम में से बाहर आ जाता हूँ सो दैट यू कैन सी दिस प्रॉपरली। अगेन मैं इसको एक बार वापस पढ़ता रहता हूँ मैं कि ये सबसे पहले आप देख रहे हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ लवकुश सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलूम्बर, तो आप लिखेंगे लवकुश, ओके दैट विल बी इन कैपिटल सीनियर। अब सीनियर पूरा नहीं लिखे तो एस आर, तो एस कैपिटल आर कैपिटल एंड देन डॉट सेकेंडरी एस ई सी कैपिटल अगेन डॉट एंड देन स्कूल आफ्टर दैट विल कम नेम ऑफ योर सिटी, उसके पहले कोमा आएगा। सो लवकुश सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा सलूम्बर। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कैपिटल प्लस पंक्चुएशंस, 2 फुल स्टॉप है और 1 कोमा है। देन कम्स द फॉर्मेट डेट, आप देख पा रहे हो डेट। अब मोबाइल यूज करते हो, डेट के फॉर्मेट्स आपको पता है ना, MMDDYY या DDMMYY, या जैसे आज जो डेट है आप डेट लिखते हो। सपोज यू वॉन्ट टू राइट 7 August 2000, तो आप लिखेंगे ऑगस्ट AUG 7, 2000, या आप लिखेंगे 7 AUG यानी ऑगस्ट कोमा 2000। तो दीज आर द फॉर्मेट्स टू राइट द डेट। उसके बाद आप देखेंगे नोटिस, नोटिस आपको नोटिस में ही लिखना है। अब उसके अंदर आ जाए सब्जेक्ट। सपोज आपके एक स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, सो दैट यू कैन राइट अ ब्लड डोनेशन कैंप, साइंस फेयर, योगा क्लासेस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, साइंस फेयर, व्हाटएवर, तो जो भी है ये आपको वहाँ लिखना है। एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर। सपोज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर यूथ क्लब, यू राइट द नेम इज रवि जोशी। डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन यानी होता है उसका पद, उसका पद क्या है। सपोज आप प्रेसिडेंट है तो आप लिखोगे प्रेसिडेंट यूथ क्लब इस तरीके से, या आप सेक्रेटरी हो तो आप सेक्रेटरी लिखोगे। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बाइफर्गेटेड मार्क्स वाला फॉर्मेट है, इसको आप बनाना नेक्स्ट क्लास में। अब हम इसको कैसे लिखना है वो हम रिव्यू करेंगे। ओके टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल बैंक, दिस इज RBI भारतीय रिजर्व बैंक, एंड दिस इज पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट में अपन ने RBI के कुछ फंक्शंस, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड मतलब मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय के बारे में चर्चा की थी, देखा था। आई होप कि आप लोगों को वो सब समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज अपन आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे RBI के, थोड़ा RBI का इंट्रोडक्शन अब हम वापस पढ़ेंगे। वैसे लेसन के स्टार्टिंग में हमने उसका मीनिंग अर्थ वगैरह पढ़ा था, लेकिन कुछ और भी इंट्रोडक्शन है कि कैसे चालू हुआ, क्या हुआ, वो कुछ पढ़ेंगे। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये देश का सेंट्रल बैंक है मतलब केंद्रीय बैंक है RBI।
द रिजर्व, देखो मैं बुक लेके इसलिए पढ़ रही हूँ, ये सब मुझे पता है कि क्या क्या है, मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बुक लेके इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आप बुक में पढ़ लेके पढ़ने की थोड़ी आदत अपनी डेवलप करें, है ना, मैं भी ये चाहती हूँ। तो आप अपनी किताब लेके बैठिए सब लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन April 1, 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहली बार जब स्टैब्लिश हुआ, मतलब पहली बार बना, तब वो 1 अप्रैल 1935 को बना। इट्स हेडक्वार्टर वॉज एट कलकत्ता एट अ बिगनिंग। जब अभी हम लोग कोलकाता बोलते हैं, उससे पहले कलकत्ता बोलते थे, तो उस कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ये स्थापित हुआ। इट वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे 1937। बाद में वो जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे में ट्रांसफर हो गया 1937 में, मतलब सिर्फ 2 साल कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था और 1937 में वो कहाँ आ गया, बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे आने की रीज़न क्या हो सकता है, तो बॉम्बे आने का रीज़न ये है कि मुंबई को अपने देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं, मतलब आर्थिक राजधानी बोला जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और देश में कहीं नहीं होती, जैसे कि अपना जो बॉलीवुड है, ठीक है, वो पूरा मुंबई में ही है ना, और जितने भी टीवी पे जो भी सीरियल वगैरह जो भी आते हैं वो सब मुंबई से ही संचालित होते हैं, वहीं पे वो लोग एक्टर्स वगैरह रहते हैं, वहीं पे शूटिंग के लिए वो आउटडोर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शूटिंग जो है वहाँ पे उसके लिए फिल्म सिटी वगैरह बनाई हुई है ना, तो वहाँ पे वो सब होता है। तो एक तो ये कारण है, दूसरा शेयर मार्केट अपना मुंबई में है ना, तीसरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, ऐसे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम दूसरे जगहों पे भी होता है, जैसे गुजरात में भी होता है, जहाँ जहाँ पे समुद्री तट है वहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाय वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मुंबई आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था, जहाँ से अंग्रेज गए थे। तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं, ऐसे बिजनेस है, ऐसी चीज़ें हैं जो मुंबई में होती है, इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी या इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। तो यही उसकी मुंबई की या बॉम्बे, पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, तो बॉम्बे की महत्व समझते हुए, महत्ता समझते हुए जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो सिर्फ 2 साल में ही मुंबई, मतलब अभी जो मुंबई है जो पहले बॉम्बे था वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अप टिल देन इट वॉज इन प्राइवेट सेक्टर। देखो 1937 तक, ठीक है, मतलब उसके बाद भी कुछ सालों तक ये आरबीआई जो है, मतलब अभी जिसे अपन सेंट्रल बैंक बोलते हैं केंद्रीय बैंक मान लिया है देश का, लेकिन पहले ये केंद्रीय बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था। कैसा बैंक था? प्राइवेट, जैसे कि ICICI है, IDBI है, HDFC, ये जो कमर्शियल बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, इस तरह से ये अपना RBI काम करता था उस समय, इसे मान्यता नहीं थी केंद्रीय बैंक की। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हम लोग आज़ाद हुए, हम आज़ाद कब हुए आप लोग को पता ही है, 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक यही था उस समय आज़ादी के समय, और अच्छा खासा इसने एक अपना डेवलपमेंट कर लिया था, रीस्टैब्लिश हो गया था पूरी तरह से और ग्रो कर रहा था उस समय, और अच्छा खासा इसका काम चल रहा था अपने देश में, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक था उस समय। तो फिर वो सारी चीज़ें देखते हुए, मतलब देश के लोगों का ये एक आधार बन गया था, एक जैसे कि आज इंटरनेट जो है वो हमारा एक ज़रूरत बन गया, बैंक भी हमारी ज़रूरत है, वैसे ये कुछ बड़े जगहों पे, बड़ी सिटियों में, बड़े महानगरों में ये ज़रूरत बन गया था। उस हिसाब से इसके महत्व को देखते हुए इसे भारतीय रिजर्व बैंक को जो है सेंट्रल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक की मान्यता मिल गई, और ये मान्यता मिली इसको April 1, 1949 को, हमारा आज़ादी हमें 47 में मिली, लेकिन RBI को मान्यता केंद्रीय बैंक की कब मिली, 1949 में। उसका कारण ये है कि 2 साल तो हमारे देश को भी आज़ादी मिली और हमारी हालत ख़राब भी थी, धीरे 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 सेटल हुए और धीरे धीरे इसे मान्यता मिली। जब एक केंद्रीय बैंक की ज़रूरत लगने लगी, तब देश की जो सरकार है, जो केंद्रीय मंत्रालय है,
उसने ये डिसीजन लिया कि आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंक बनाना चाहिए। अब हम इसका आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 173 पेज पे देख सकते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका आरबीआई का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कैसे ये काम करता है, मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक और मिडिल लेवल में कौन कौन लोग हैं, कैसे यहाँ पे काम फॉलो किया जाता है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन बॉस है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम इसे नीचे से पढ़ेंगे, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। सबसे नीचे आता है सपोर्ट स्टाफ, जो सपोर्ट करता है, जो जैसे कि कैशियर है, एक एडवाइज़र है, बैंकर्स हैं, ये सब सपोर्ट स्टाफ है। इनके ऊपर इनको मैनेज करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजरल होते हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो है वो मैनेजर्स को रिपोर्टिंग करेंगे। उनके ऊपर होते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, उनके ऊपर होता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसके ऊपर होता है जनरल मैनेजर, उसके ऊपर है चीफ जनरल मैनेजर, उसके ऊपर है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसके ऊपर है रीजनल ड्यूटी गवर्नर्स, और सबसे ऊपर है गवर्नर। गवर्नर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नर वो है इंसान है जिसका नोट पे साइन होता है ना, उसके साइन होने पे ही एक करेंसी लीगल टेंडर मनी मानी जाती है, मतलब एक लीगल विनिमय पत्र है, उसकी मान्यता उसे तब मिलती है जब गवर्नर का भी साइन होता है। तो गवर्नर जो है वो सबसे उच्च पदाधिकारी होता है, ठीक है, आरबीआई में। तो आज तक तो वैसे एग्ज़ाम में कभी भी इसका स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया, आज तक का रिकॉर्ड है, सिंस 2011 से मैं पढ़ा रही हूँ और ये 2020 है, और आप लोग एग्ज़ाम दोगे 2021 में, मतलब इस 10 साल में अभी तक कभी भी स्ट्रक्चर पूछा नहीं गया आरबीआई का। लेकिन फिर भी हम ये नहीं मान सकते कि इसका स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है ज़्यादा मार्क्स के लिए कोई आरबीआई का क्वेश्चन आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई या एक्सप्लेन अबाउट आरबीआई, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वैसे भी हमें नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मुलेशन, अपॉइंटमेंट होता है, नॉमिनेशन होता है, फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है ये, डायरेक्टर जो होते हैं वन गवर्नर एंड मैक्सिमम, जो गवर्नर जो है वो सिर्फ एक ही होता है, डेप्यूटी गवर्नर चार होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है फिर भी आरबीआई में काम कर रहा है तो ऐसे लोग परमानेंट नहीं होते, वो कुछ समय के लिए उन्हीं स्टाफ मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, चार चार डायरेक्टर हर डिपार्टमेंट के होते हैं, ये कुछ बातें थी। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं फिर से एक बार पढ़ेंगे। इशू ऑफ करेंसी, मैंने बताया था नोट जो है वो आरबीआई ही छापता है, बड़े बड़े सिक्के भी आरबीआई छापता है, और जो छोटे सिक्के होते हैं वो केंद्रीय बैंक केंद्रीय मंत्रालय छापता है। मॉनेटरी अथॉरिटी, एक मॉनेटरी अथॉरिटी, वित्तीय अधिकार है इसके पास अपने देश का, कि कैसे देश को चलाना चाहिए पैसों के मामले में वगैरह, वो सारे अधिकार आरबीआई को दिए गए। रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, पहले भी जैसे मैंने बताया था जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो फाइनली आरबीआई के पास आती है, अगर अपने देश में आई है तो आरबीआई उसको होल्ड करके रखता है, संभाल के रखता है, और जब हमारा रुपया जो है फॉरेन करेंसी से कम पड़ जाता है, नीचे आ जाता है, तब आरबीआई फॉरेन करेंसी को सेल कर देता है, और उसे सेल करने के बाद जब उसे सेल करता है उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उस सेल करता है, मतलब पहले वो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करता है, फिर उसे सेल करता है, तो उसके पास रुपीज़ ही आते हैं ऑब्वियसली, या फिर उसके बदले वो कुछ और लेता है, जैसे सोना वगैरह लिया, अब सोना वगैरह उसके पास आ गया है तो उसके बराबर के मूल्य में वो रुपए जो है वो छाप सकता है। डेवलपमेंटल रोल, आरबीआई जो है वो बैंकों को डेवलप करने का भी काम करता है, बैंकों के डेवलपमेंट का काम आरबीआई के हाथ में होता है। रिलेटेड फंक्शन, कुछ रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जैसे बैंकर्स टू गवर्नमेंट, पहले भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट को सलाह भी देता है, उनके कार्य भी करता है, इसलिए वो गवर्नमेंट का एक बैंकर है, ठीक है। बैंकर्स बैंक सारे बैंकों का बैंक है, बैंकों के ऊपर भी अगर कोई बैंक है तो वो आरबीआई है, इसलिए उसको
बैंकर्स बैंक बोला गया है, टू पब्लिश न्यूज, वो न्यूज पब्लिश करता है, मतलब जितने भी रेशियोज होते हैं, CRR है, SLR है, या रेट्स होती है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबकी जानकारी उसे पब्लिश करनी होती है और वो पब्लिश करता है। पब्लिश करना मतलब न्यूज़पेपर में छपवाना, मैगजीन में छपवाना, इसके बारे में इंटरव्यूज देना, ये सारे काम RBI करता है। एनुअल पब्लिकेशन, सालाना पब्लिकेशन एक अलग से आता है। देखो, एक तो पब्लिकेशंस होते हैं जो हर चार महीने में, हर क्वार्टर में इनका पब्लिकेशन होता है। एक होता है एनुअल पब्लिकेशन, जो सालाना पब्लिकेशन होता है, पूरे साल भर की जो बदलाव आए हैं, जो डिसीजन लिए गए, वो भी इसे इश्यू करने होते हैं। मंथली पब्लिकेशन, हर महीने भी पब्लिकेशन होता है, अगर हर महीने कुछ उतार चढ़ाव आए, जैसे शेयर मार्केट में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो उसका असर भी देश पे पड़ता है, वित्तीय व्यवस्था पे पड़ता है, तो उससे भी अगर कोई चेंज आया है, महंगाई घटी बढ़ी जो भी हुआ, तो वो सारे चेंजेस उस मंथली पब्लिकेशन में आ जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी मतलब वित्तीय पॉलिसी जो है, पहला है रेपो रेट। देखो, आप अपनी किताब में ये खोल के रखना पेजेस, हिंदी मीडियम वाले भी, उसमें भी लिखा होगा, हिंदी मीडियम में भी रेपो रेट ही लिखा होगा, देखना। इट रेफर्स टू द रेट चार्ज बाय RBI ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस टू कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म लोन पे ये होता है रेपो रेट, ठीक है, और ये किसको देता है, कमर्शियल बैंक को, मतलब RBI जब कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, व्यापारिक बैंकों को जब उधार देता है पैसा, उस पे वो जो रेट लगाता है उसे बोलते हैं रेपो रेट, मतलब उस पे जो ब्याज लगाता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI पेज टू कमर्शियल बैंक ऑन इट्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। देखो, मैंने बताया था कि CRR के बारे में मैंने बताया था पिछले कुछ पार्ट में, कि जो पैसा कमर्शियल बैंक RBI के पास एक अमानत के रूप में रखते हैं, डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, अब इस CRR पे जो ब्याज देती है RBI भी ब्याज देती है, उनके पास पैसा पड़ा होता है कमर्शियल बैंक का, तो उनको वो ब्याज देती है वापस उस पैसे पे, ठीक है, तो वो जो ब्याज उनको देती है, जो रेट देती है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हमेशा ध्यान रखना, रेपो रेट ज़्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट कम होती है ज़्यादातर। वापस आ गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वही के एक रेशियो होता है कि कितने रेशियो में पैसा कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना है। फिर है SLR, SLR मतलब स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब सावैधानिक रूप से जो पैसा उन्हें अपने पास रखना है, खुद के पास रखना है, जैसे एक बैंक के पास करोड़ रुपए हैं अभी सारे अपने कस्टमर के मिला के, उसका 20% या 30% जो भी SLR फिक्स किया गया है, मतलब उतना पैसा उसे खुद के पास रखना है, बाकी का पैसा उसे कहीं और लगाना है बढ़ाने के लिए। सारा पैसा कोई बैंक नहीं लगा सकता, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे अपना पैसा निकलवाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तब देंगे क्या, तो एक रेशियो में, मतलब एक अनुपात में पैसा खुद के पास रखना होता है, होता है SLR, और एक अनुपात में पैसा RBI के पास रखना पड़ता है जमानत के तौर पे, डिपॉजिट, उसे बोलते हैं CRR। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसे ख़त्म किया, ठीक है ना, तो वीडियो फिर दो वीडियो हो जाएंगे, ये अभी जो वाला वीडियो है इसको दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मैं इसे डिटेल में समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो आप उसमें अच्छे से और समझ सकते हैं। अब तो आपको जो भी लिंक भेजी जाती है ना, आपकी आपके ग्रुप में जो भी लिंक आ रही है, उसे आप जब चाहें तब देख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम देखना है, जब चाहें और जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये ऐसा करने का यही रीज़न है, ताकि आप बार बार देखें और अपने जो भी डाउट्स हो, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं बार बार देख के, सुन के, है ना। अब है कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के में क्या अंतर है, वो अब हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है ये अपना, और क्योंकि हम पहले कमर्शियल बैंक पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है ये अपने को पता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है ये भी पता है, पर अभी इन्हें हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक मतलब व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है कि
प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उन्हें अपने बैंक चलानी है, आगे प्रॉफिट कमाएगा तो ही चलेगा। तो उनका सबसे मेन एम यही है कि कैसे भी किसी भी प्रकार से उन्हें प्रॉफिट तो कमाना ही है। अगर वो एक भी दिन प्रॉफिट मिस करते हैं या एक भी मंथ प्रॉफिट मिस कर देते हैं, मतलब वो लॉस में ही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस ही हो रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। इसीलिए कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक कभी कभी प्रॉफिट भी नहीं कमाता। उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, सारे बैंकों की जिम्मेदारी है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता। वो देश की वित्तीय व्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमी पॉलिसीज़ है, उनको बराबर चल, बैलेंस रहे, अच्छी तरह से चले, वो देखता है वो। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट थ्रू डिराइव डिपॉजिट, वेयर एज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू इशू ऑफ करेंसी। देखो, कमर्शियल बैंक पैसे मतलब इन्वेस्ट कर करके उगाता है। उगाने का मतलब वो उगाना नहीं खेत में, यहाँ उगाने का मतलब ये होता है कि पैसा बढ़ाता है, किसी ने कहीं किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगाना या ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना और बढ़ाना, क्योंकि वो वापस ब्याज कैसे देगा कस्टमर्स को, है ना। और सेंट्रल बैंक का मेन काम ये होता है कि जितना भी पैसा मार्केट में है उसको बराबर कंट्रोल किया जाए, कहीं से ब्लैक मनी है तो उसका भी पता लगाना है, या फिर जाली नोट मार्केट में घूम रहे, ड्यूप्लीकेट मनी घूम रही है, उसका पता लगाना, सब बैलेंस होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान होता है सेंट्रल बैंक का। थर्ड, कमर्शियल बैंक एडवांस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इट्स कस्टमर, वेयर एज सेंट्रल बैंक एडवांस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक लोन देता है उसके कस्टमर को, शॉर्ट टर्म मतलब कम अवधि के लिए और लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि के लिए। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है, मतलब अपना भारतीय रिजर्व बैंक जो है, RBI जो है, वो लोन देता है गवर्नमेंट को, राजस्थान सरकार है, गुजरात सरकार है, जो भी सरकार उसके पास आती है उसके साथ वो डील करता है। उसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक है, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक उसके अंडर में है, तो उनको वो लोन देता है और उनसे पैसे रिकवर करता है। मतलब वो नॉर्मल कस्टमर नहीं होते RBI के। RBI के कस्टमर कौन है? सारे कमर्शियल बैंक है और सारी गवर्नमेंट्स हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर कस्टमर, वेयर एज सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद कस्टमर्स डायरेक्टली। ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक जो है वो डायरेक्टली डील करता है कस्टमर से, क्योंकि उसके तो कस्टमर वही है, नॉर्मल पीपल हैं हमारे जैसे, है ना। लेकिन सेंट्रल बैंक कभी हम लोगों से डील नहीं करता, मतलब उसका कार्य हमसे नहीं जुड़ा होता, हमारे साथ उसका कोई लेन देन नहीं होता। उसका लेन देन डायरेक्टली जो होता है वो सरकारों से होता है और कमर्शियल बैंक से होता है। हमारे साथ भी RBI का लेन देन है, लेकिन वो डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। कमर्शियल बैंक फॉलो क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसी इशू बाय सेंट्रल बैंक, वेयर एज सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी, जो RBI जो आर्थिक पॉलिसी बनाता है, इकोनॉमी पॉलिसी बनाता है, उसको वो फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? कमर्शियल बैंक। मतलब व्यापारिक बैंक को सारे वो शर्तें, सारे वो नियम मानने पड़ते हैं, उन पे चलना पड़ता है जो RBI बनाता है, लेकिन RBI के लिए कोई रूल नहीं बनाता। कस्टमर मे डिपॉजिट एनी अमाउंट विद देयर कन्वीनियंस इनटू कमर्शियल बैंक, वेयर इज एसेंशियल टू कीप अ फिक्स परसेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इन द सेंट्रल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक में नॉर्मल लोग पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, और जब मतलब उनकी सुविधा हो उतने कम, कभी ज़्यादा, जबकि कमर्शियल बैंक खुद पैसे डिपॉजिट कराता है RBI में, वो भी RBI की शर्त के अनुसार। शर्त क्या होती है? CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब नकद बचत अनुपात। उसका मतलब वो होता है कि जितना भी उसके पास पैसा है, जितना भी उसका टर्नओवर है, अभी जितना उसके पास पैसा है कमर्शियल बैंक के पास, व्यापारिक बैंक के पास, उसका जो परसेंटेज RBI फिक्स करेगा
वो उसको अमानत के तौर पे आरबीआई में खुद डिपॉजिट करवाना होता है। तो आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं कमर्शियल बैंक, जबकि कमर्शियल बैंक में उसके कस्टमर डिपॉजिट कराते हैं। तो ये सारे अंतर थे, अंतर तो आपको याद करने ही नहीं पड़ेंगे, वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर आपने पहले कमर्शियल बैंक पढ़ लिया उसके बाद सेंट्रल बैंक पढ़ लिया तो वैसे ही आप अंतर कर लोगे कि ये क्या करता है और ये क्या करता है ना, किसका रोल कहाँ तक है और कैसा है। पर ये डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन कर रहा है, जो पेपर बनाने वाले का ये मकसद रहता है कि वो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाती है, कि वो कमर्शियल बैंक के बारे में भी पूछ लेता है यहाँ पे आपसे और सेंट्रल बैंक के बारे में भी पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, वो चीज़ें तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इन पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है और कमर्शियल बैंक को आपको पहले अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको सेंट्रल बैंक पढ़ने पे दोनों में अंतर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और इस तरह से अपना सेंट्रल बैंक लेसन भी फिनिश हुआ। आपको नोट्स जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और पहले जो आपको नोट्स दिए हैं वो आप काम, बहुत सारे लोगों ने तो काम कर लिया है, फ़ोटो भी भेज रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में हैं, जैसे उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या होमवर्क मिल रहा है, या कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि ज़िंदा भी है कि नहीं। तो आप लोग कुछ रिप्लाई करो जो वर्क मिल रहा है, हो सकता है कि पूरा साल ऐसे ही पढ़ना पड़े तो फिर क्या करोगे आप, एग्ज़ाम तो देनी पड़ेगी है ना। तो बेटर ये है कि आप लोग कॉपरेट करो, इसमें आपकी भलाई है, मेरा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा है इसमें, है ना। ओके सो दैट्स इट। कंप्लीट हुई, अब देखते हैं टर्म एंड कंडीशन 4। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 4 को, यानी कंडीशन 4 में क्या चेंजेस हैं। कंडीशन 4 में आपको बता रखा है आईओसी आपको 10% ही रखना है पर एनम, क्या रखना है 10% पर एनम, और नेक्स्ट प्रॉफिट भी रखना है। लेकिन अब आपको प्रॉफिट जो है वो 60,000 नहीं है दोस्तों, अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 18,000। तो बताइए बड़ा या घटा, कम हो गया है ना, प्रॉफिट आपके पास है लेकिन वो प्रॉफिट कम हो गया। सेम वही क्वेश्चन है अपने पास, एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है 2 लाख और 1 लाख रुपए लगा रखा है। फिर उसके बाद आईओसी आपको देना है 10% और प्रॉफिट है आपके पास 18,000 रुपए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले एक बार दिमाग लगा के देखिए, क्या 18,000 रुपए में अपन आईओसी दे पाएंगे। सोचिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्या 10% पर एनम अगर आईओसी देते हैं तो क्या अपने पास प्रॉफिट सफिशियंट है। चलिए देख लेते हैं, जब आप 2 लाख का 10% निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना आएगा 20,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास एक्स का ही 20,000 रुपए आ रहा है, और वाई का जो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए। दोनों को जब जोड़ेंगे तब आएगा 30,000 रुपीज, जो अपने पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था या पिछली कंडीशन में हमने सॉल्व किया था। अब देखिए 20,000 और 10,000 कितने होते हैं 30,000, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है 18,000। तो क्या आप 30,000 दे सकते हैं 18,000 में से, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट 18,000, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे आपको पता ही है, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है आपके पास प्रॉफिट 18,000, और उसके बाद कंडीशन भी दे रखी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। चलिए प्रॉफिट है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को देंगे। अब यहाँ देखिए 18,000 में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब यहाँ देखो आईओसी का रेशियो क्या बन रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट के आईओसी रेशियो में हम बांटेंगे। देखिए आईओसी का क्या रेशियो बना है 20,000 एंड 10,000,
यानी कि चार जीरो यहाँ भी कॉमन है, चार जीरो यहाँ भी कॉमन है, कट गया था, यहाँ रेशियो क्या बना 2:1, यानी कि ये जो 18,000 रुपए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस रेशियो में 2:1, यानी कि आपको 18,000 के 3 टुकड़े करने हैं, जिसमें से 2 टुकड़े आपको एक्स को देने हैं और वाई को हैंड ओवर करना है सिर्फ 1 पार्ट। अब देखिए कैसे करेंगे, 18,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसके टोटल पार्ट करने हैं आपको 2 और 1, यानी कि 3 पार्ट करने हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पार्ट आ जाएगा, और अगर 2 की जगह एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास वाई का पार्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 18,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे कितना आएगा, 6,000, और 6,000 इंटू 2 करेंगे यहाँ आ जाएगा 12,000, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 क्योंकि एक्स का पार्ट था। और अगर इसी 6,000 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करते तो कितना आता, 6,000 आता, तो इस तरह से 12 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे पास 18,000 रुपए। ठीक है, ये 18,000 कंप्लीट हुए, यहाँ एंड कर देना आपको, और ये 18,000 आपको लास्ट में लिख देना है। तो टर्म 4 बहुत ही इजी था, बस सिर्फ सोचना था और थोड़ा सा समझना था क्या है इसमें चेंजेस, कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो अपने पास प्रॉफिट 18,000 है, आपको 10% पहले तो कैलकुलेट ऑरली करके देख लेना है, मन में कैलकुलेट करके देख लेना है या फिर कहीं पर सॉल्व करके देख लेना है कि आपके पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट बन रहा है 20 और 10, 30,000 है ना, लेकिन आप 30,000 जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है 18,000 देना भी है और इतना सफिशियंट भी नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट को जितना है उतना ट्रांसफर करके लिख लेंगे, फिर जो आईओसी का रेशियो होगा उस रेशियो को हम बनाएंगे। आईओसी का रेशियो हमने निकाला, क्या रेशियो बना 2:1, जबकि प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या था 3:2। तो हमारा 3:2 का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इस कंडीशन में कोई काम नहीं है। अब हमारा जो काम है वो 2:1 का है, तो हमने क्या किया, इन्हीं 18,000 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 2 और 1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपको करना आ ही गया होगा। अब देखिए 12,000 और 6,000 इस तरह से हमने दे करके इस कंडीशन को कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 5। अब देखते हैं कंडीशन 5। कंडीशन 5 में क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई आपके सामने पार्टनर है, किस रेशियो में 3:2 में पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब कंडीशन 5 जो अपनी फाइनल कंडीशन है वो ये बोल रहा है आईओसी आपका 10% ही और प्रॉफिट 18,000 ही है, यानी जो कंडीशन 4 है क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा ही है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पर जो आपका आईओसी है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी कि लाभों पर प्रभार है पूंजी पर ब्याज, यानी कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके व्यवसाय में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो भी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है ना, क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि लाभों पर प्रभार की कंडीशन में चाहे आपके पास लाभ हो सफिशियंट हो या अनसफिशियंट हो, लॉस हो, किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है तो देखने में बहुत हार्ड लेकिन इजी बहुत है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आईओसी देना है और कंपलसरी देना है और पूरा का पूरा देना है, आपको कम नहीं देना है, पूरा 10% जितना बनेगा उतना आपको पूरा देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 18,000 रुपीज का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको किधर लिखना है पता ही है, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कितना लिखेंगे 18,000 है, 18,000 रुपए आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में ये करनी है, आईओसी आपको 10% पूरा का पूरा देना है क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन है, यानी कि लाभों पर प्रभार, यानी कि चाहे आपके पास लाभ हो या ना हो आपको ये देना ही देना है। तो चलिए इधर लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को देना है x और y। तो चलिए x का 10% हमने पहले भी निकाला था, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 20,000 रुपए, और सेम यही y का 1 लाख पर 10%
10,000 रुपए, 10 और 20 कितने हो जाते हैं 30,000 रुपए। तो चलिए ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं इसके अंदर अब क्या करेंगे। 18,000 और एक तरफ है 30,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं पैसा कम पड़ रहा है। किधर, डेबिट साइड में कम पड़ रहा है या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? इधर 30 है और इधर 18,000 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है? 12,000 रुपए। अगर मैं 12,000 इधर लिखता हूं तो इधर भी 30 हो जाएंगे और इधर भी 30 हो जाएंगे। अब ये जो 12,000 रुपए है ये आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3:2 में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, क्योंकि ये 12,000 रुपए साझेदारों को लॉस हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए भाई, आपके पास प्रॉफिट 18,000 ही है जिसमें से आपने 30,000 का अगर ब्याज देना ही देना है, तो इसका मतलब साझेदारों को 12,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो चलिए साझेदार भरेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी 12,000 कौन भरेंगे? एक्स और वाई। किस रेशियो में भरेंगे? 3:2 में। तो चलिए निकालते हैं 12,000 रुपए का जो लॉस है उसको इंटू 3:2, यानी कि वही 5 पार्ट करेंगे, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम वही वाई के लिए, ये तो एक्स का हो जाएगा, ये वाई का हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑरली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 12,000 इंटू 2:5, जब 5 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 2400 आएंगे, है ना? कितना आएगा? 2400। और जब 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 7,200, और इधर आएगा 24 into 2, 4,800। जब इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 12,000। कितने हो जाएंगे? 12,000। इसका मतलब x के अकाउंट में कितने आएंगे? 7,200, और यहाँ आएंगे 4,800। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12,000। और फाइनली अपन इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ अपने बैलेंस में अमाउंट लिख देंगे 30,000, और यहां पर भी 30,000। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंडीशन 5 कंप्लीट की। एक बार समझ लेते हैं कंडीशन 5 में क्या था। सेकंड क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई आपके पास दो पार्टनर हैं, इस रेशियो में 3:2 में पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 2,00,000 और 1,00,000। क्या है कैपिटल? ये 2,00,000 और 1,00,000 क्या है? कैपिटल। मतलब क्वेश्चन वही है, बस आपकी टर्म में कंडीशन चेंज हो रही है। अब कंडीशन 5 में क्या थी? जो कंडीशन 4 थी वो की वही कंडीशन 5 है। कंडीशन 4 और 5 में क्या सिमिलर था? 10% पर एनम आपको देना ही देना, प्रॉफिट कितना है? 18,000 था, है ना? दोनों में प्रॉफिट आपका 18,000 है, लेकिन कंडीशन 5 में एक्स्ट्रा एडिशन क्या किया, मतलब क्या चीज ऐड की? आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी लाभों पर प्रभार करना, है ना? लाभों पर प्रभार का मतलब क्या है? चाहे आपके पास लाभ हो या हानि हो, चाहे लाभ सफिशियंट हो या अनसफिशियंट हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आईओसी देना ही देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने पीएनएल प्रिपरेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लिखना है नंबर वन पे, ठीक है? फिर उसके बाद आईओसी भी देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो आपको 10% पूरा का पूरा इन पे निकाल के देना है। तो चलिए 2,00,000 का हमने 10% निकाला, 20,000 रुपए। फिर 1,00,000 का 10% निकाला, 10,000 रुपए। दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 30,000। अब कॉमन सेंस की बात है, जब आपके पास 18,000 रुपए प्रॉफिट है और देना आपको 30,000 रुपए है, तो जेब से कितने भरने पड़ेंगे बाकी के? तो 12,000 जेब से भरने ही पड़ेंगे। तो ये 12,000 भरेंगे तो किस रेशियो में भरेंगे? तो ये भरेंगे वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि लाभ हानि अनुपात में। तो ये हमारे लाभ हानि अनुपात में, जब हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट, तो सॉरी लॉस, तो लॉस कितना आया? 7,200 एक्स के अकाउंट में चढ़ेंगे और 4,800 रुपए वाई के अकाउंट में चढ़ेंगे। इस तरह से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। आप 5 कंडीशनों पे प्रैक्टिस कीजिए, आप जो भी फिगर है उनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा स्टेप उठाना है ना। तो आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।